जय गुरुदेव। नैमित सारण में बाबा जय गुरुदेव। नैमित सारण की पावन भूमि पर बाबा जय गुरुदेव जी ने गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व 13 से 22 जुलाई 1997 10 दिन तक मनाने का निश्चय किया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 100 किलोमीटर पश्चिम उत्तर की तरफ सीतापुर जिले में स्थित नैमित सारण, जो अब नीमसार के नाम से जाना जाता है, इसके आसपास के स्थलों से जुड़े अनेक ऐतिहासिक प्रसंग, 28,000 ऋषि मुनियों तपस्वियों की तपोभूमि नीमसार, वेद व्यास की निवास स्थली नीमसार। ऐसा कहा जाता है कि वेद व्यास जी ने यहीं से वेदों का प्रचार किया था। नीमसार से 10 किलोमीटर पर स्थित मिश्रिक, जहां दधीच मुनि की दान कथा इतिहास के पन्नों में 16 अक्षरों से लिखी गई है, उन्होंने अपनी हड्डियों का दान किया था। वह स्थान यहीं पर नीमसार में स्थित है। चक्रतीर्थ की वेदंती है कि ब्रह्मा ने एक मानस चक्र चलाया था, जो आकर उस स्थल पर गिरा जिसे आज चक्रतीर्थ कहते हैं। ब्रह्मा का चक्र धरती को भेद कर पाताल में चला गया, वहां से पानी का स्रोत फूटा और यह जन विश्वास है कि वह पानी का स्रोत आज भी उस अनवरत गति से प्रवाहित हो रहा है। अब वहां पर गोलाकार कुंड बना दिया गया है, जहां तीर्थयात्री स्नान करते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि वेद व्यास जी ने उसी स्थान पर कभी कहा था कि ऐ ब्राह्मणों, अहंकार मत करो, एक वक्त आएगा जब तुम्हें जमीन पर बैठना पड़ेगा और उनकी हाँ हजूरी करोगे। जो अभी तुम्हारे सामने झुकते हैं, योगियों की वाणी झूठ नहीं होती, जो कह गए वो कभी न कभी सत सिद्ध होती ही है। 88,000 ऋषियों ने जो धर्म को बचाने की मंत्रणा की थी, वह भी बड़ी महत्वपूर्ण थी, और ऐसा लगता है कि उनकी सारी मंत्रणाएं, विचार गोष्ठियां इस 50-55 वर्षीय लोकतंत्र के लिए ही थी, क्योंकि जन्म लेने के साथ ही इस लोकतंत्र ने धर्म, कर्म, मान मर्यादा, आदर सम्मान, प्यार मोहब्बत, सदाचार सबको पैरों से मारना शुरू कर दिया, जो आज अपनी चरम सीमा पर है। मंदिर खतरे में पड़ गया, मस्जिद खतरे में पड़ गई, गुरुद्वारा खतरे में पड़ गया, जाति बिरादरी खतरे में पड़ गई, देवी देवता और भगवान का तो अस्तित्व ही खत्म हो गया। और रहे संत महात्मा पीर फकीर, उन्हें तो इस लोकतंत्र ने गया गुजरा बताया। लेकिन ये भारत भूमि है, धर्म भूमि है, इसलिए यहाँ वो सब कुछ रहेगा जो सनातन पुरातन मान मर्यादाएं, आदर सत्कार रहेगा, साधु संतों पीर फकीरों की महानता रहेगी, और देवी देवता भगवान खुदा ये किसी के नकारने से खत्म नहीं हो जाएंगे। हाँ, ये बात अलग है कि इनकी शांति को नकारने वाले अपने को अस्तित्व को नकार बैठे। यह समय कुछ विशेष महत्व का है, परिवर्तन के उभरते संकेतों का है, एक युग के आने और दूसरे युग के जाने का है। जय गुरुदेव बाबा ने बहुत पहले आवाज उठा दी कि कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। इस तपोस्थली से कलयुग के जाने का भी संकेत मिलेगा और कलयुग में सतयुग के आने की आहट सुनाई देगी। सतयुग को अंकुरित करने के लिए
जय गुरुदेव बाबा ने कर्म प्राश्चित महामानव अति कुंभ का आयोजन नमी सारण की तपोभूमि पर किया है। बाबा जी ने जगह जगह सत्संग में कहा कि आप चूको मत, मैं सबका आह्वान करता हूँ। ऐसा दृश्य और ऐसा योग हजारों साल में नहीं पड़ा होगा। मैं तो समझता हूँ कि 5,000 साल में ऐसा अति मानव महामानव कुंभ कर्म प्राश्चित का अभी तक नहीं लगा। नवी सारण की पुण्य भूमि पर सत्युगाने के चिन्ह प्रारंभ होंगे। देश व दुनिया में भारी परिवर्तन होगा। आगे अति दुर्गम कष्टदायक समय आ रहा है। नीम सार में पहुंचकर कर्म प्राश्चित हेतु प्रार्थना करो, याचना करो। जब तक कर्मों की माफी नहीं होगी, आपका छुटकारा होने वाला नहीं। माफी होने पर मनोकामना पूरी होगी। कितने लोगों की बीमारी दूर होगी, बुराइयां छूटेंगी, लगे हुए भूत बैताल छूटेंगे, अन्य मुसीबतों से मदद मिलेगी। जय गुरुदेव।